गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू सर्वाइविंग लेक्चर। कल के जो टॉपिक है ना, मैंने ये आपको स्टील जो चेन था ना उसके बारे में बताया था, चेन से टाइप्स ऑफ चेन, देयर यूजेस, और मतलब क्या लेंथ था उसका, डायमेंशन था, और कुछ चीजें बताई थी। तो अब नेक्स्ट जो करते हैं ना, देखिए एडवांटेज मतलब चेन से क्या फायदा है और उसके नुकसान। ठीक, पहला क्या है, दे कैन बी नेक्स्ट जो है दे कैन बी स्टैंड वियर एंड टीयर। ठीक, सेकेंड पार्ट क्या है, दे कैन बी इजली रिपेयर और रेक्टिफाइड इन फील्ड। जो मेन उसके फायदे है वो बता रहा हूं। तो देख, पहला क्या, दे कैन बी रीड इजली एंड क्विकली, मतलब बहुत जल्दी से पढ़ा जा सकता है, और तब इसको जो मेजरमेंट, जैसे कितना डिस्टेंस है उसको मेजरमेंट लेने में, उसको रीडिंग, जो मेजरमेंट डिस्टेंस और रीडिंग होती है ना, उसको पढ़ने में काफी कम समय लगता है, क्योंकि दो मीटर का डिवीजन रहता है। जैसे जैसे जो चेन, जिस तरह की चेन रहती है उस तरह का उसका डिवीजन रहता है, 2 मीटर, 4 मीटर या 1 फुट 2 फुट में डिवीजन, उसको एक मार्किंग दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इतना हो। ठीक, ये पहला हुआ। सेकेंड क्या है, दे कैन विदस्टैंड वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब कोई खिंचाव। देखिए, अगर कहीं पे मेजरमेंट होता है किसी खेत का, या फिर किसी कहीं का भी बड़ा जब मेजरमेंट होता है, उसको बहुत ज्यादा खींचना पड़ता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए क्या करते हैं लोग, घींचते ही लेके चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते ज्यादा, घींचते लेके चले जाते हैं। उस केस में तो वियर एंड टीयर होता है, जो दबाव आता है, जो प्रेशर आता है, तो वो सह लेता है, क्योंकि वो जो गैल्वनाइज्ड आयरन का रहता है, जो 4 mm डाया का रहता है, जो 4 mm डाया रहता है उसका वायर का, तो वो काफी हैवी होता है, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी बनाया जाता है, तो वियर एंड टीयर को क्या करता है, हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट लास्ट क्या है, दे कैन बी इजली रिपेयर्ड और रेक्टिफाइड इन फील्ड। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फील्ड में ही इसको बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इसको कुछ मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा, या मैकेनिक कोई बहुत आएगा वो सब चीजें करेगा, कॉस्टली होगा, ऐसा कुछ नहीं, इजली है। कोई मतलब नॉर्मल भी अगर थोड़ा भी नॉलेज है स्टील के पास, वो काम ये कर सकता है। अब नेक्स्ट लेते हैं डिसएडवांटेज। पहला, दे आर हैवी एंड टेक टू मच टाइम टू ओपन और होल्ड। They become
ड्यू टू एटमोस्फेयर टेम्परेचर एट लास्ट जो है व्हेन द मेजरमेंट इज टेकन इन सस्पेंशन देखिए डिसएडवांटेज बताया जिससे लो हानि होती है चेन से, वो क्या है चेन में क्या दिक्कत है, कोई चीज़ की खामियां है तो खूबियां, खूबियां है तो खामियां है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं जैसे कोई 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 खूबी है ही नहीं, ठीक ना। ठीक है, दे आर हैवी, क्या होती है हैवी होती है एंड टेक टू मच टाइम टू ओपन और फोल्ड, मतलब उसको खोलने के लिए और मोड़ने के लिए काफ़ी समय लगता है क्योंकि 30 मीटर की होती भी है और हैवी वेट होती है। हैवी वेट इसलिए होती है कि उसकी जो वायर डाया था 4 mm बनाता है और पूरे इसमें आयरन का बना वो जीआई कन्वर्ट आयरन का पूरा वो बना रहता है इसलिए हैवी रहता है। नेक्स्ट दे बिकम लॉन्गर और शॉर्टर ड्यू टू एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, लॉन्गर और शॉर्टर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ज्यादा गर्मी रहे गर्म टेम्परेचर रहता तो वो क्या क्या फैल जाता है फैलेगा क्योंकि टेम्परेचर जो ये आयरन होता है स्टील होता है जो अगर ज्यादा टेम्परेचर तो पिघलता है और जब ठंडे के मौसम में टेम्परेचर डाउन होगा तो उस समय क्या होगा सिकुड़ जाएगा। तो दोनों केस में क्या होता है जब फैलेगा सिकुड़ेगा तो क्या होगा एरर जो देगा वो एरर देने क्या होगा एरर देने लगेगा, एरर से मेजरमेंट करेक्ट नहीं होगा, ये इसमें डिसएडवांटेज होती है। नेक्स्ट व्हेन द मेजरमेंट सस्पेंशन सस्पेंशन मतलब इस कंडीशन पे ऊंचा खा रहा मतलब ये प्लेन सरफेस के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये ऊंचा खा जब रहेगा तो ये हैगिंग शॉकिंग हॉगिंग सैकिंग हॉगिंग और सैकिंग मतलब ऊपर भी मुड़ सकता है नीचे भी ऐसे कर बना सकता है तो उस केस में क्या होगा ये इनकरेक्ट एरर ये एरर देना उस केस में एरर देना है तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है चेंज का। अब नेक्स्ट दूसरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा वो है स्टील बैंड, स्टील बैंड इसका एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज मतलब फायदे लाभ, पहला क्या है दे आर वेरी लाइट एंड इजी टू ओपन और फोल्ड, दे मेंटेन देयर स्टैंडर्ड लेंथ इवन आफ्टर कंटिन्यूअस यूज। When the measurement is taken in suspension, sag slightly. अब देखिए डिसएडवांटेज, पहला ये क्या है इफ हैंडल
carelessly they grow easily. ठीक, they cannot repair in field, they cannot be in field. They can not be really clean. स्टील बैंड का जो एडवांटेज है, पहले मैं बता रहा हूं पहला टॉपिक क्या है. पहला है दे आर वेरी लाइट एंड इजी टू ओपन और फोल्ड. बहुत ही क्या होता है, उसका वजन क्या होता है, बहुत कम होता है. जिस कम वजन के होने की वजह से क्या होता है, इजिली ओपन ओपन और फोल्ड हो जाए. फोल्ड मतलब मोड़ना, ओपन मतलब खोलना, फोल्ड मतलब क्या होता है, मोड़ना. ठीक, दे मेंटेन देयर स्टैंडर्ड लेंथ इवन आफ्टर कंटिन्यूअस यूज. कंटिन्यूअस अगर यूज का यूज भी करते रहेंगे तो भी वो अपना क्या करता है, जो लेंथ रहता है वो मेंटेन किया रहता है. मतलब इस पे टेम्परेचर इफेक्ट नहीं हो रहा है. क्या नहीं हो रहा है, टेम्परेचर जो कोल्ड और हॉट वेदर टेम्परेचर था इस पे कोई कारगर असरदार नहीं हो रहा है, इसलिए अच्छा है ये. टेम्परेचर के मायने से भी अच्छा है ये. नेक्स्ट, व्हेन द मेजरमेंट इज टेकन इन सस्पेंशन. बताया था ना, सस्पेंशन मतलब ऊंच खाल जगह. अगर ऊंच खाल जगह है तो वहां पे सैगिंग तो होगी, सैगिंग हॉगिंग तो होगी, बट कम होगी. मतलब क्या होगी, सैगिंग हॉगिंग इसमें कम होगी. तो इस कंडीशन में भी, मतलब अगर सोच लीजिए अगर थोड़ा बहुत अगर ऊंच खाल अगर जगह है तो वहां पे काम कर जाएगा. ऐसा नहीं कि एक्यूरेट कर पाएगा, एक्यूरेट नहीं कर पाएगा, बट अपना काम थोड़ा बहुत लमसम चल जाएगा. अब इसकी देखिए, ये हमारे जो इसकी खामियां क्या है, कुछ तो खामियां है इसकी भी. इफ हैंडल केयरलेसली दे ब्रोक इजली. अगर अगर सावधानी से इसको, अगर इसको सावधानी से इस्तेमाल न किया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा. पहले ही ये प्रॉब्लम इसमें आती है. मतलब ऐसा पर्सन कोई होना चाहिए, कोई स्किल्ड पर्सन हो जो इसका काफी पहले यूज कर रहा हो, तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं है क्या, अन्यथा ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. नेक्स्ट, दे कैन नॉट बी रिपेयर इन फील्ड. मतलब इसको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये फील्ड पे बनाया नहीं जा सकता, ऑन फील्ड इसमें इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता. लास्ट, दे कैन नॉट बी रीड इजली. इसको इजली पढ़ा नहीं जा सकता, इसमें यही खामियां है. दे कैन नॉट बी रीड इजली, मतलब आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता. ये ना हमारा चेन का, ये ना स्टील बैंड का, ये जो दोनों टॉपिक है ना, जो दोनों टॉपिक का एडवांटेज लाभ, डिसएडवांटेज लाभ, हानि लाभ, जो भी चीज है वो पॉइंट मैंने आपको क्लियर यहाँ बता दिया है. और आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है टेप. लीनियर मेजरमेंट की जो चीज चीज थी ना, वो लीनियर मेजरमेंट से थी. एसेसरीज फॉर लीनियर मेजरमेंट थे. पहला तुम्हारा क्या था, रेंजिंग था, दूसरा चेंज था, तीसरा थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं टेप की तरफ. टेप भी क्या करता है, लीनियर मेजरमेंट लाइन दो लाइन डिस्टेंस को मेजर करता है. टेप का ही वर्क होता है, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए टेप यूज किया जाता है. नेक्स्ट, जो टेप हमने टेप के बारे में डिस्कस किया था, अब देखते हैं कितने तरह के टेप है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रॉपर्टी है. ठीक, पहला क्या है, क्लोथ और लिनन टेप. क्लोथ और लिनन टेप, मेड ऑफ क्लोजली वुवन वुवन लिनन, मेड ऑफ क्लोजली वुवन लिनन एंड इज वर्निश टू रेसिस्ट मॉइस्चर. मतलब वो नमी को सह सकती है, मतलब कि नमी को सहन कर सकती, नमी की वजह से कोई दिक्कतें नहीं आएंगी. मतलब उसमें कोई, मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन छोटा छोटा होना, बड़ा होना, शॉर्टर लॉन्गर वाली समस्या नहीं आएंगी. क्या है, 15 mm विड्थ है, उसकी चौड़ाई कितनी है 15 mm है, और उसकी कितनी 10 से 15 meter लेंथ होती है. 10 से 15 meter लेंथ होती है, 15 mm की चौड़ाई होती है. वो किसकी चीज की होती है, वुवन लिनन की. सेकंड क्या होता है, मेटालिक टेप.
मेटेलिक है, जाल तरह बना देना ना, जाल होता है जैसे रेनफोर्स, मतलब एक सरिया की बताई देते हैं एक जाल जैसे बन जाता है, सिर्फ रेनफोर्स एक जाल तरह बन गया, ठीक ना। रेनफोर्स विद ब्रास और कॉपर वायर, किसके ब्रास और कॉपर वायर का रेनफोर्स हो गया, मतलब ये क्या कहते हैं, इसमें जंग तो नहीं लगता ब्रास और कॉपर में, ब्रास और कॉपर में जंग तो नहीं लगता, नहीं प्रॉब्लम राशि नहीं है। बट टू मेक इट ड्यूरेबल, मतलब किस चीज के लिए, उसको अवधि को बढ़ाने के लिए, मतलब उसको लॉन्ग लास्टिंग, मतलब अधिक, ताकि अधिक समय तक चले, उसको कॉपर और ब्रास के वायर से रेनफोर्स कर देते हैं। तो उस तरह की टेप को क्या करते हैं, मेटेलिक टेप। उसकी कितनी लंबाई रहती है, 15 मीटर 20 मीटर या 30 मीटर, 15 मीटर 20 मीटर या 30 मीटर की क्या होती है लंबाई होती है, लेंथ होती है। Thank you.
इट्स थर्मल इज वेरी लो विथ 6 mm लेंथ स्टील रिबन ऑफ विद वेरिंग फ्रॉम स्टील रिबन का रहता है। रिबन जाने में तो कोई चौड़ी पट्टी चाहिए, जैसे चौड़ी पट्टी ठीक, इसकी विड्थ कितनी रहती है 6 mm से 16 mm तक की उसकी विड्थ रहती है। लेंथ कितना रहता है 10, 15, 20, 30 और 50 मीटर 10, 15, 20, 30 और 50 मीटर का रहता है इसकी लेंथ स्टील टेप का। नेक्स्ट है इन्वर्टेप। इन्वर्टेप मेड अप ऑफ अलॉयज ऑफ स्टील, किसका बना रहता है अलॉयज ऑफ स्टील के अलॉयज का बना रहता है, कितना परसेंट रहता है 64% स्टील अलॉयज रहता है। एंड निकल और किसका निकल रहता है 36% स्टील अलॉयज ऑफ स्टील कितना था 64% एंड निकल 36%। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इट्स थर्मल कोफिशियंट इज वेरी लो, मतलब जो टेम्परेचर सहने की ना जो टेम्परेचर की ताप सहने की क्षमता से कम है। और जो विड्थ कितनी रहती है चौड़ाई रहती है 6 mm की रहती है। लेंथ कितना रहता है 30, 50 या 100 तीन लेंथ का तीन वेरिएशन आता है 30, 50 and 100। ये टेप की जो हमारी थी टायर ऑफ टेप जो थे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, चार टेप पे मैंने उसको डिस्कस कर दिया है। तो यहां से हमारी जो टेप्स की होती टॉपिक जो कंप्लीट होती है, टेप्स क्लियर हुआ, चेंज क्लियर हुआ, स्टील बैंड क्लियर हुआ आपको, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीजें मैंने बता दी हैं ठीक। थैंक यू फॉर दैट वॉचिंग।